कश्मीर के महाराज हरि सिंह के आजाद रहने के इरादों को पेश करते हुए 12 अक्टूबर 1947 को उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में कहा कि कश्मीर आजाद रहकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों से रिलेशनशिप बनाए रखेगा, लेकिन जब तक कोई एक साइड उसे फोर्स नहीं करती, दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करेगा। महाराज की ख्वाहिश कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट यानी न्यूट्रल बनाने की है। इस बयान को दिए हुए दो दिन हुए थे कि कई हजार घुसपैठिए कश्मीर के नॉर्थ यानी पाकिस्तान की साइड से कश्मीर में घुस गए और श्रीनगर की ओर चल दिए। इनमें ज्यादातर पठान थे, लेकिन ये क्यों आए थे और इन्हें सपोर्ट किसने किया, आज 70 साल के बाद भी कोई सर्टनिटी के साथ नहीं कह सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहां से ये घुसे वो हिस्सा आम जनता के लिए इनएक्सेसिबल है, इसीलिए इसे एक ट्राइबल इन्वेजन कहा गया। इंडिया ने आरोप लगाया कि ये पाकिस्तान ने भेजे हैं और पाकिस्तान ने कहा कि ये पठान कश्मीर में हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम से हो रही नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी मर्जी से आए हैं। पाकिस्तान के इस आर्ग्यूमेंट का बेस था श्रीनगर के वेस्ट में पुंछ डिस्ट्रिक्ट, जो 1936 से महाराज हरि सिंह ने डायरेक्ट अपने अंडर ले लिया था। उन्होंने यहां नए टैक्स लगा दिए और सबसे ज्यादा इंपैक्टेड थे मुस्लिम चरवाहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक पुंछ से गए थे वो वापस आए, और जैसे कि आम तौर पर जंग से आए हुए सिपाही पॉलिटिकली कॉन्शियस होकर आते हैं, उन्होंने कश्मीर वैली में शेख अब्दुल्ला के साथ अपनी आवाज मिला के पुंछ को हरि सिंह के खिलाफ करना शुरू कर दिया। 14 अगस्त जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब उन्होंने पाकिस्तानी झंडा फहरा के अपनी लॉयल्टी कश्मीर की बजाय पाकिस्तान को दिखा दी। अगले कुछ हफ्तों तक पुंछ में डोगरा सोल्जर्स और लोकल पॉपुलेशन के बीच झड़प होती रही और उसके बाद पाकिस्तान से राइफल्स पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने लगे। लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और मियां इफ्तिकारुद्दीन को इन राइफल्स के बारे में पता था। इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल अकबर खान उर्फ जनरल तारिक लीड कर रहे थे, जिन्होंने 4000 से ज्यादा राइफल्स ऑफिशियल पाकिस्तानी रिकॉर्ड से गायब कर दी थी। पूंछ में मुस्लिम ऑफिशियल्स ने अपनी जॉब भी छोड़ी थी और थोड़े बहुत क्लैशेस भी हुए थे, लेकिन कोई मेजर क्लैश नहीं हो पाई थी। तो वो पठान घुसपैठिए क्यों आए, और अगर पूंछ में आना होता तो रावलपिंडी से आना लॉजिकल होता। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से कश्मीर वैली में एंटर होने का डिसीजन किसका था, आज तक कोई जवाब नहीं। 22 अक्टूबर को जो कहने को इस्लाम पे हो रहे अत्याचार को बचाने के लिए कश्मीर में घुस आए थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को कोई भेदभाव ना करते हुए लूटना और मारना शुरू कर दिया। कश्मीर में घुसने के बाद झेलम वैली में पहले मुजफ्फराबाद में उनकी टक्कर जम्मू कश्मीर की एक बटालियन से हुई, लेकिन इसमें आधे सैनिक पूंछ के मुस्लिम थे और उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। नतीजा ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन जो बचे उन्होंने श्रीनगर फोन कर दिया, जिससे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उरी में, जो मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के बीच में था, वहां कुछ सोल्जर्स के साथ जाके झेलम के ऊपर बने हुए एक ब्रिज को उड़ा दिया, जिससे घुसपैठिए 48 घंटों तक रुक गए। दो दिन बाद जब घुसपैठियों ने झेलम पार की, उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ सब सोल्जर्स को मारकर महुता में पावर स्टेशन को इनएक्टिव करके श्रीनगर और कश्मीर वैली को अंधेरे में धकेल दिया। महुता से श्रीनगर के बीच बारामूला में जिहाद के नशे में ना हिंदू ना सिख ना क्रिश्चियन और ना ही मुस्लिम, बराबर से सबकी दुकानें लूटी गई, रेप हुए, कॉन्वेंट की नंस तक को मौत के घाट उतार दिया गया। इन हरकतों से साफ हो गया कि ये कोई जिहाद नहीं था। कश्मीर के बाजार लूटकर वजीरिस्तान को भरा जा रहा था, लेकिन इस लालच में वो श्रीनगर को भूल गए। बारामूला के गिरते ही हरि सिंह ने इन गवर्नमेंट से मिलिट्री असिस्टेंस की रिक्वेस्ट की। अगले दिन वीपी मेनन श्रीनगर पहुंचे और सीधा प्राइम मिनिस्टर एमसी महाजन के घर गए। वहां जब उन्हें पता चला कि घुसपैठिए 80 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं, उन्होंने महाराज हरि सिंह को जम्मू शिफ्ट होने को कहा। अगले दिन वो एमसी महाजन के साथ दिल्ली आए और पंडित नेहरू, सरदार पटेल, माउंटबेटन और शेख अब्दुल्ला, जो उस समय दिल्ली में ही थे, उनसे मीटिंग करी। मीटिंग में अब्दुल्ला और एमसी महाजन ने इमीडिएट
इंडियन आर्मी को भेजने की बात कही, लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि उससे पहले हरी सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराना चाहिए। उसी दिन वीपी मेनन फिर जम्मू पहुंचे, जहां महाराज हरी सिंह ने तभी के तभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। 27 अक्टूबर को सुबह सुबह 27 डकोटा आर्म्स और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। आने वाले दिनों में 100 से ज्यादा प्लेन्स, जिनमें सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी के ही नहीं बल्कि सिविलियन प्लेन्स भी सोल्जर्स और आर्म्स के साथ श्रीनगर को रवाना हुए। कश्मीर में जैसे ही इंडियन आर्मी पहुंची, पंडित नेहरू ने राहत की सांस ली। वो कहते थे कि चाहे कश्मीर आजाद रह जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। जैसे ही जिन्ना को इंडियन आर्मी के वैली में होने की खबर मिली, उन्होंने पहले तो कई बॉटल ब्रांडी का सहारा लिया, फिर अपने कमांडर इन चीफ को कश्मीर में मार्च करने का हुक्म दे दिया। अब कश्मीर में जो जिहाद के नाम पे उन घुसपैठियों ने क्रिश्चियन नंस और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर इन चीफ जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ये ऑर्डर मानने से मना कर दिया। तो ऑफिशियली पाकिस्तानी ट्रूप्स कश्मीर में नहीं आए, लेकिन उनके ऑफिसर्स उन पठानी रेडर्स के रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। जब इंडियन आर्मी श्रीनगर में पहुंची, महाराज हरी सिंह और उनके एडमिनिस्ट्रेशन वहां से गायब थी। लोगों की मदद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर कर रहे थे, और उन दिनों पंजाब पार्टीशन से चल रहे कम्युनल राइट्स के ऑपोजिट हिंदू, मुस्लिम और सिख मिलकर रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे थे। 1 नवंबर को पीस प्रपोजल लेकर माउंटबेटन लाहौर पहुंचे। वहां जिन्ना ने कहा कि वो जूनागढ़ पर से अपना कंट्रोल छोड़ देंगे अगर इंडिया कश्मीर पर से अपना कंट्रोल छोड़ दे तो, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर पर फ्रॉड और वायलेंस से कब्जा किया है। जब माउंटबेटन ने उन्हें बताया कि वायलेंस उनके साइड से शुरू हुई थी क्योंकि वो घुसपैठिए पाकिस्तानी सिटीजंस थे जिससे हरी सिंह इंडिया की तरफ जाने पर मजबूर हो गए, तो जिन्ना ने कहा कि यह पूंछ में हरी सिंह के मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचारों का रिएक्शन था। इंडियन आर्मी ने श्रीनगर को सेव करके 8 नवंबर को बारामूला, 12 को महोता और 13 को उरी घुसपैठियों से मुक्त करा दिया। अब सर्दियां आ गई थी तो उरी से ऊपर मूव करना इम्पॉसिबल था, तो अब इंडिया का ध्यान कश्मीर के इंटरनल मैटर्स की ओर पहुंचा। पंडित नेहरू ने हरी सिंह को कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर एनसी महाजन को रिप्लेस करके शेख अब्दुल्ला पर भरोसा करने की वकालत की। महात्मा गांधी के लिए भी शेख अब्दुल्ला ने जो काम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कश्मीर में किया था, उससे वो सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर और कश्मीर में टू नेशन थ्योरी को डिसमेंटल करने के लिए सबसे बड़े कैंडिडेट बन चुके थे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान अब्दुल्ला को पसंद नहीं करते थे। 27 नवंबर 1947 को दिल्ली में माउंटबेटन और पंडित नेहरू से वो मिले, और जब उन्हें प्लेबिसाइट यानी जनमत का सजेशन दिया गया, तो उन्होंने कश्मीर में पहले एक नए एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तानी जनता को इम्पार्शियल लगे सेटअप करने की मांग की। अब पंडित नेहरू देर ना करते हुए हरी सिंह से पाकिस्तान से इस कंफ्लिक्ट का परमानेंट सोल्यूशन करने की बात करने लगे। आर्मी हमेशा के लिए वहां डिप्लॉय नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने हरी सिंह को 4 ऑप्शन दिए। या तो पूरे स्टेट में प्लेबिसाइट हो और जनता पाकिस्तान और इंडिया में से किसी को भी चुने। दूसरा, आजाद कश्मीर जिसकी इंडिपेंडेंस की गारंटी इंडिया पाकिस्तान दोनों दे। तीसरा, पार्टीशन, जम्मू इंडिया के पास और कश्मीर पाकिस्तान के पास। और चौथा, जम्मू और कश्मीर इंडिया के पास, पूंछ और उससे वेस्ट का एरिया पाकिस्तान के पास। पंडित नेहरू को लास्ट वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद था क्योंकि पूंछ में मुस्लिम्स इंडिया के खिलाफ थे, लेकिन कश्मीर को वो किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे, स्पेशली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में इतनी स्ट्रांग थी तब। लेकिन पंडित नेहरू ने यह भी लिखा कि ये काम जबरदस्ती नहीं हो सकता। आम कश्मीरी मुस्लिम जब इंडिया को पाकिस्तान से बेटर ऑल्टरनेटिव मानेगा तभी ये पॉसिबल है। ज्यादा देर तक अगर आर्मी डिप्लॉयमेंट रही तो कश्मीरी जनता ऑपोजिट रिएक्ट करेगी। दिसंबर 27 को लिखे हुए इस लेटर में जो 4 ऑप्शन पंडित नेहरू ने लिखे थे, 74 साल बाद भी इन्हीं ऑप्शंस पर डिबेट होती है। कश्मीर की कहानी जारी रहेगी। देखते रहिए इंडिया एंड द वर्ल्ड एक्सप्लेन मेरे गौरव कौशिक के साथ।